नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग निदर्शना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और ये टॉपिक एक माँ से और उसके जो है नए जन्मे बच्चे से है, यानी कि मदर एंड हर न्यू बॉर्न बेबी। तो जब बच्चा जन्म लेता है और माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं और बच्चे के शरीर पर जो भी बच्चे से जुड़ी जो भी बातें हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप लोग जानेंगे ये सब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्लस पॉइंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग होने वाला है तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि मदर और उसका जो बच्चा है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी जो है, तो जब बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न रहता है एकदम छोटा सा, तो उसका वेट जो होता है वो लगभग 3.2 kg होता है। ठीक है, कितना? तो 3.2 kg इतना वेट रहेगा तो नॉर्मल है। फिर ये वर्निक्स कैसियोसा एक वर्ड है जो कि वाइट क्रीमी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो नया जन्मा बच्चा होता है उसके बॉडी पर जो है क्रीम की तरह उजले उजले सब्सटेंस होते हैं, उजले उजले कुछ होते हैं, चिपचिपा सा वाइट क्रीमी सब्सटेंस जैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है वो मेनली उसे कहेंगे वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, वो नॉर्मल है तो वर्निक्स कैसियोसा, जो वाइट क्रीमी सब्सटेंस न्यू बॉर्न बेची बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनके स्किन पे जो होते हैं उसे कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। फिर है लेन्युगो। तो लेन्युगो जो होता है, यानी जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनका जो बाल होता है वो ग्रे कलर का होता है, यानी ग्रे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी पे, उनके सिर पे। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो नेचुरल हेयर आ जाते हैं। ठीक है, यानी ग्रे हेयर्स होंगे पहले तो उसे लेन्युगो कहते हैं। फिर है कि लोकिया। तो लोकिया क्या होता है कि अप टू 4 days पोस्ट डिलीवरी ब्लड मिक्स्ड रेड येलो डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, यानी कि क्या होता है कि लोकिया क्या है कि जब फीमेल जो होती हैं वो डिलीवर कर देती हैं बेबी को तो उनके वजाइना से रेड येलो डिस्चार्ज होता है। और कैसा होता है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका ब्लड मिक्स्ड रेड येलो डिस्चार्ज, यानी कि ब्लड होगा तो रेड कलर होगा ही और येलो डिस्चार्ज होता है तो वो मिक्स होके रेड येलो डिस्चार्ज फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि ब्लड और रेड येलो डिस्चार्ज। ठीक है, यानी कि कुछ जो होते हैं फ्लूड डिस्चार्ज होते हैं डिलीवरी के बाद वजाइना से, तो उसे हम लोग लोकिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है इन्वोल्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब बेबी होता है, ठीक है, यूट्रस में, तो उसका साइज बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है और वो हमारे रिब्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, अम्ब्लाइकस के ऊपर रिब्स तक। तो ये अगर बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल शेप में आता है तो रिब्स से थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, मान के चलिए 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे बाद जो यूट्रस का फंडस होता है, यानी यूट्रस है, मान के चलिए ये देखिए इस तरह का एक पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन होता है ऊपर का इसी तरह से तो होता है स्ट्रक्चर। देखिए तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन है हमारा वो होता है फंडस, तो ये धीरे 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 नीचे आता है, तो ये नीचे आएगा तो अम्ब्लाइकल से नीचे आ गया, यानी हमारी नाभि जो नवेल होता है उससे नीचे आएगा। फिर डेली जो होता है वो 1 से 2 cm डेली जो है कम होते जाएगा, तो लगभग 6-7 सप्ताह में वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, यानी कि 1.5-2 महीने में आपका जो है नॉर्मल जो भी शेप था वो हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली यही कुछ मदर और उसके न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड बातें थी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो भी जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी पे जो क्रीमी सब्सटेंस होते हैं उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं और जो हेयर्स होंगे उसे लेन्युगो कहेंगे और लोकिया होता है जो कि वजाइना से रेड येलो डिस्चार्ज जो होगा उसे कहेंगे। और इन्वोल्यूशन जो होते हैं, यानी कि जो मदर होती हैं उनका जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है डिलीवरी के बाद और अपने नॉर्मल शेप में अपने ओरिजिनल साइज में आना शुरू कर देता है। तो मेनली यही है हमारा वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।